बसमिल्लर डी एन ए प्रोग्राम आरफ नज़ामी साहिब और चौबे ग़ुलाम थे हाजिर हैं आज हल्का एक सौ दस सियालकोट जिसमें वफाकी वजी दफा पानी और बिजली और ख्वाजा मोहम्मद सफदर के साहबजादे हैं लेकिन वो तो काफ़ी शरीफ इंसान थे ये तो जैसे लगता है कि लड़ाका किस्म की कुछ एनी वे उनके खिलाफ जो पटिशन थी स्स्मान डार पी टी आई के कैंडेट को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दी है और इस वक्त ख्वाजा आसफ तो खैर कर ही रहे हैं बातें उनके साथ, साथ रफीक इकल चौधरी और स्पीकर कौमी इसम्बली जिनका फ़र्ज़ है कि वो हाउस को गैर जानबदारी से चलाए एक बाकायदा पार्टी बन के उनके बयान आ रहे हैं तो ये सारी सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें लेकिन पहले ये जी निजामी साहब देखिए बजाय तो आप जो भी कहें ख्वाजा आसिफ साहब की इंडिकेशन तो हुई है जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया था उसको तो सीख कर दी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी और मेरा ख़्याल है कि हमें इसको मानना चाहिए अगर हम अदालतों के को मानते हैं और आ, उस्मान डार साहब के जो बॉस हैं यानी कि इमरान ख़ान साहब उन्होंने भी अदालतों पे रिपोज किया और चीफ जस्टिस पे ही कॉन्फिडेंस रिपोज किया तो इस पर तफसीली बात तो तभी हो सकेगी कि जब तफसीली फैसला आएगा लेकिन जहाँ तक आपकी बात का थलक है स्पीकर साहब की उनकी मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है कि ख्वाजा साद रफ़ी का भी मामला इसी तरह खुशी से तय हो जाए ख्वाजा साद रफ़ी का केस बिल्कुल उल्ट है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके इलेक्शन को कलदम करार दे दिया था और उनको स्टे मिला हुआ सुप्रीम कोर्ट यहाँ बिल्कुल उल्ट मामला था

जब आपके पास कोई केस ही नहीं है कोई धांधली नहीं हुई और किसी किस्म की बेसाबगी नहीं पाई गई तो उसके बाद आपका ये काम था कि एक अच्छे शरीफ आदमी आप और वहाँ मारे मारे फिरते और कौम का अदालत का सब का वक़्त ज़ाया किया और इस वक्त खान साहब और पीटीआई को तजहीक का निशाना बनवाया आपने देखें चोई साहब मैं तो पहले ये कहूँगा कि ये जो वज़ीर ना बिजली ना पानी है आप कह रहे थे ये पानी और बिजली के वजीर हैं मैं कहता हूँ ना पानी है ना बिजली है ये उसके वजीर हैं और ये आज सिर्फ़ इसलिए बच के निकल गए हैं कि जो भी चीज़ें मैं पहले थोड़ा सा ट्रिब्यूनल पर बात कर लूँ कि ट्रिब्यूनल में बुनियादी तौर पर मुझे सुना नहीं गया था और जो भी मेरे तहफा थे वो तमाम लेके मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और मेरी एक ही इलतजा थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि मुझे रिमांड दिया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं ट्रिब्यूनल में वो तमाम चीज़ें और अपना केस बेहतर तौर पे लड़ सकूँ क्योंकि वहाँ ही तमाम चीज़ें जो मैं पेश कर सकता था की भी थी और मेरी अपनी गवाही जो एक मेरे ना होने की वजह से रह गई थी चंद दिनों के लिए मैं मौजूद नहीं था अदरवाइज़ ये दो दिन केस चला था ट्रिब्यूनल में एक दिन में इसका फैसला आना था उन दो दिनों में मैं अगर दस से पंद्रह दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर था तो उसी दौरान फैसला हो जाता है जिस जो मेरा राइट था मुझे सुना जाता जब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा तो उन्होंने मेरी जो पटिशन थी वो खुद ही एक्सेप्ट कर ली उन्होंने कहा जी हम यहाँ ही सुनेंगे और इस केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा और उन्होंने फिर अंगूठों की वेरीफिकेशन के लिए कहा अब बड़ी दिलचस्प बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ आपने कहा है जी सबूत नहीं पेश किए या चीज़ें सामने नहीं आई अब तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं ये मैं नहीं कह रहा आज ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं कह रही ये इमरान खान साहब नहीं कह रही ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो इंक्वायरी रिपोर्ट है जब मेरे हलके में तीस हज़ार काउंटर फाइलें गायब हो गई थी पहली जो इंस्पेक्शन हुई थी बैग्स की काउंटर फाइल्स निकालने के लिए मैं आपको और कॉम को फिर एक दफा याद दिलाना चाहता हूँ हल्के में तीस हजार काउंटर फाइलें नहीं थी मिली जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी बिठाई गई तो वो बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कचरे से और दूसरी कॉन्स्टुन्सिस के बैग्स में से कोई से हजार ये एक मिनट में तो होता यह है कि अठारह से बीस हजार काउंटर फाइल्स मिलती हैं और आज तक दस हजार काउंटर फाइल्स गायब हैं पांच पोलिंग स्टेशन के बैग बड़ी दिलचस्प बात है ये पांच पोलिंग स्टेशन के बैग दो पहले दिन से ही गायब थे हमारा यह मतालबा था कि आर ने रिजल्ट मेरा कैसे अनाउंस कर दिया और खाजा आशिफ का जब पांच बैग ही गायब थे पांच प्रिजाइडिंग ऑफिसर लाए ही नहीं थे आर के पास और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है मैं इल्जाम नहीं लगा रहा आज आज भी ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़ था मैं उनके फैसले का एहतराम करता हूँ उनके फैसले को मैं मनोमन कबूल करता हूँ वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम बेजाबतगियाँ जो हैं ये तमाम जो गफलतें हैं कुतियाँ हैं नाहली है जो कुछ भी है इसका जिम्मेदार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ नहीं है, है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं अगर करा सके तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है <coughs> उसकी आड़ <आपने> में <coughs> जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब आज बच के निकल गए हैं मैंने सब बच के क्या, क्या निकल गए यानी आप जंग लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो अब आइंदा क्या लाएगा वाले आपका कोई अब नहीं नजर सानी कोई इलेक्शन लड़ेंगे देखिए मेरी नहीं नहीं पहली करेंगे? तो देखिए मैं बताऊं एक तो हम डिटेल जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं उसमें जिस चीज को मैं देखना चाहता हूं कि जिस आर के बारे में ख़ुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को के उसके रजिस्ट्रार को कि उस वक्त का जो आर था इन दस का उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाए उसके ऊपर ये सारा डाला गया ये वाहिद हल्का निज़ामी साहब ख्वाजा आसिफ़ का और मेरा ये पूरे पाकिस्तान में वाद हल्का है जिसमें आर पकड़ा गया है और उस आरओ का मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो आर जो पकड़ा गया है जिसको खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है क्या वो अपने की अंजाम पे पहुंचेगा क्या जो उसने सियाल कोर्ट की अवाम के वोट का तकदस पमाल किया है क्या उसको सजा दी जाएगी वो ऑफिसर जिसने का एहतराम किया सुप्रीम कोर्ट ने आप कहते हैं जी तकदस पमाल किया है हम किस तरफ जाए आप आप लाइन पर रहे आप बैठे अभी एक एमकेएम के आ, रहन में उन्होंने भी ज्वाइन किया सجاد साहब अस्सलाम जी अस्सलाम हां क्या हां क्या पूरा नाम श्री वैद्य जरा मैं या बिजी था कौन सा बोल रहे हैं जी जी अस्सलाम जी हेलो जी अस्सलाम हां जी हां साहब अच्छा ये बताइए कि आ, ये गुलाम हुसैन साहब शायद आपसे पूरी तरह मुतारफ नहीं तो तारफ भी अपना करा दें पूरा नहीं पहले आए हैं प्रोग्राम में मैंने साजिद अहमद जी जी साहिद साहब बिल्कुल ये भूल गए के हल्के से अच्छा साहिद साहब बताइए <laughs> कि ये आज इमरान फारूक के मर्डर के हवाले से जो ताज़ा इंकशाबात हुए किए गए उस पर क्या तबसर है आपका बिसमिलीम सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाजिर को असल अच्छा डॉक्टर इमरान फ़ारूक भाई एम के एम के एक सीनियर सीनियर तरीन कारकुन थे एम क्यू एम के डिप्टी कनवीनर रह रह चुके हैं पार्टी के कनवीनर रह चुके हैं पार्टी के और इनकी शहादत यकीन हम सब के लिए लमा फिक्रिया है आ, लेकिन इमरान फारूक़ भाई के मर्डर के हवाले से मख्तलि वक्तों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ अखबार के अंदर मीडिया पर आती रही हैं अच्छा हमारा क्या मौक़ है हमारा मौक़ यह है कि इस मर्डर के हवाले से मुकम्मल तहकीकत होनी चाहिए और इसमें जो भी कल्पट्स हैं जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें कार कर, वाकई सज़ा होनी चाहिए अच्छा ये मर्डर भी क्योंकि बरतानिया के अंदर हुआ है इसके जो कल्पट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं अच्छा इसके लिए वज़र दाखिला वजारत दाखिला भी हमने देखा कि इस पर काफ़ी उन्होंने कोशिश की वर्किंग की हम जो जो देख रहे हैं जो हमें दिख रहा है अच्छा अब होना ये 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 चाहिए चाहिए को को भी कि वो इन अपने अपने पास अपने पास कैच करे इनको ले तौर पर ताकि इंट्रोगेशन क्योंकि ये, ये, ये केस आधा आधा तीतर और रह गया नहीं, मर्डर नहीं, नहीं, है मर्डर है, हुआ है यहाँ वो वो पर क्या जी कल सालगरह अलताफ़ हुसैन की इसलिए एक बड़े लीडर की जान खत्म करके उसको कत्ल करके और उसको प्लेट में रख के केक की जगह पेश करना है मैं लालस भेजता हूँ इस तरह की सियासत पर और इस तरह की क्या पर खुदा का खौफ करें अब आप चाहते हैं इनको भी लंदन भेज दें और वहां से वो भी बरी कर दिए जाए सियासी बुनियादों पर इसका आप जवाब दें आप नहीं दे। नहीं मैं मैं ये नहीं कह रहा वेलकम बैक एम के एम के रहनम साजिद अहमद साहब से हमने सवाल किया है ये कहते हैं जी इमरान फ़ारूक के कातल कतल और इमरान फारूक हमारे बड़े मोहतरम और एक बड़े लीडर थे तो उनके कातल जो हैं वो चूँकि पाकिस्तान में उनको बरतानिया के हवाले किया जाए ताकि वो सियासी बुनियादों और मसलों की बुनियाद पर उनको भी छोड़ दें क्यों जी आपका ये मौक़ है <स्थाँ> आप मेरी बात को मेरे ख्याल में समझे नहीं uh, मेरा कहने का मतलब हरगिजी नहीं था बल्कि मैं ये, मैं ये कह रहा था कि देखें ये दो हिस्सों में ए, दो मुल्कों में अच्छा हमारे साथ है। साँथ साँथ आप भी कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं दो बाउंड्रीज के अंदर ये केस डिवाइड हो चुका है अच्छा हम हम ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि इसको किसी इसको किसी एक तरफ होना चाहिए इस केस को अच्छा आपने अभी बात की कि इमरान फारूक भाई के कत्ल के हवाले से कुछ इल्ज़ाम अभी हैं देखिए अभी इल्ज़ाम हैं मेरे ख्याल में जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं अच्छा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी मौजूद हैं इदारे भी मौजूद हैं उनसे इस चीज़ की मुकम्मल इंट्रोगेसन करें इसको इसको बाकायदा तौर पर इसकी प्रोसीडिंग अदालतों में होनी चाहिए ताकि इस केस को इन इल्ज़ाम को किसी पाय तकमिल तक, तक पहुँचाए इल्ज़ाम लग रहे हैं इल्जाम लगाने वाले भी उनको भी उन, उनको भी अदालतों में पेश कर 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 इसका इस, इस इस केस को आ, ये एक ऐसा टेस्ट केस पाकिस्तान के लिए है कि शायद इसको हल करने के बाद लोगों का अतमाद मजीद बढ़ेगा इदारों पर अपना क्या कहते हैं अदालतों पर अच्छा जब इस केस को ये इसकी प्रोसीडिंग होगी तो दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा कि ये इल्जाम लगा रहे हैं या ये सच्चे इल्जाम हैं या झूठे इल्जाम हैं क्योंकि इल्जाम की बुनियाद पर किसी को आप कसूरवार तो ठहरा सक सकते नहीं हैं इल्जाम तो

मैं वही तो बोल रहा हूँ यही तो मैं बोल रहा हूँ के अंदर हुए हैं और इसके और प्रूफ और एविडेंस हमें हमारे पास और इधारों के पास मौजूद पूरी, पूरी पूरी की, की लेकिन क्या क्या आज तक उन कल्पट को सजा मिल सकी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर इमरान फारूक का केस भी वो देखे नाट में डॉक्टर साहब आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे देखें चोई साहब एक तो मैं डॉक्टर इमरान फरूक साहब के, के केस के हवाले से यही कहूँगा कि आप भी देखें ये तो इल्ज़ाम की बात कर रहे थे इस मुल्क का सिस्टम हमारा ऐसा है कि देखें ऐान अली रंगे हाथों पकड़ी गई पाँच लाख डॉलर थे डॉक्टर आसम का केस ले लें अरबों रुपये की करप्शन है यहाँ जो लोग पकड़े जाते हैं जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं इसी तरह इस मुल्क का वज़र अजम मियाँ नवाज शरीफ पनामा करप्शन में रंगे हाथों पकड़ा गया है

इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट में आई क्या आगे हम 2018 का इलेक्शन इसी तरह करवाएंगे क्या फिर इसी तरह का इलेक्शन चुराया जाएगा बाद में उसको बेजाबतगियों का नाम दिया जाएगा जुडिशल कमीशन की भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि इलेक्शन लार्जली लाफुल है मीन सिक्सटी परसेंट सही हुआ फोर्टी परसेंट धांधली हो गई है या बेजाब्तगी हो गई है तो मकसद ये है कि हम तो लगे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंट के फॉरम पे भी इलेक्ट्रो रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठा रही है हम इसको पहले से भी ज़्यादा तेजी से लेके चलेंगे लेकिन, लेकिन पाकिस्तान या, जो भी अदारे हैं आ, तो जाते ही नहीं पार्लियामेंट का बैकआउट किया हुआ है उधर सेनेट की जो कमेटी थी यही इस लॉ के बारे में उसके अंदर भी आपने बैकआउट किया ये पनामा गेट के बारे में जो लॉ बनना था तो मकसद है कि पी टी आई तो या आप सड़कों में धरने दुर्ने दे देते हैं आप काम तो कर नहीं रहे ये निज़ाम को बदलने के लिए तो कौन सा निज़ाम देखिए पार्लियामेंट में तो अब हमने आके बाईका्ट किया है वो भी जब नामा करप्शन में गुजशत सात माह से मियाँ नवाशरीफ़ साहब जो है अपने आप को तलाशी के लिए पेश नहीं कर रहे थे ना ही कोई टी आर्स बांध रहे थे ना ही मामला इंसाफ की तरफ जा रहा था तो फिर हम सड़कों पर आने का हमने फ़ैसला किया हमने कब पहले दिन ही काम सड़कों पे आएंगे हम पार्लियामेंट में गए हम हर फोरम में गए एफआईए से रहा किया नैब से किया वो तमाम अदारों पे इन इंस्टीट्यूशंस पे इन्होंने मियां नवाज शरीफ ने शाही खानदान ने कब्जा किया हुआ है वो लोग खुद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की देख लें स्टेटमेंट है कि इन लोगों ने अपने हैंड्सअप कर लिए है। जी हम तो इंक्वायरी नहीं कर सकते एफआईए अगर इंक्वायरी नहीं कर सकती नैब इंक्वायरी नहीं, नहीं कर सकती क्योंकि इस मुल्क पाकिस्तान में कि एक तरफ तो आप अदालत ने ये पनामा गेट अपने ज़िम्मे ले लिया और खान साहब भी मुतमिन है अकुम, जमात भी वहाँ खड़ी कटहरे में तो आप अपना आप पार्लियामेंट में वापस जाएँ दूसरी ये कि ये आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा कर थू जहाँ आपको सूट करें आप कहें सुप्रीम कोर्ट ठीक है जहाँ सूट करें कह जी कि इन्होंने इंसाफ ही नहीं किया ये कैसे दौरा मैार चल सकते हैं नहीं आज तक हमने कौन सा ऐसा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसको हमने तस्लीम नहीं किया या उसका एहतराम नहीं किया बताएं इतना बड़ा फैसला था जुडिशल कमीशन का और हाँ साहब ने उसे मनोमन कबूल किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उसे कबूल किया आज जो मेरे हल्के का फैसला आया है जिसमें कैटागोकलीक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस हल्के का आर ओ है वो पकड़ा गया है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए बेपनाह सबूत थे लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता हूँ मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा वो कानून की आंख थी उन्होंने एक अपने तरीके से वैसे, देखा वैसे से सा... देखा देखा है उसको उन्होंने ये समझा कि हौजा... पाकिस्तान के जितने आज तक इलेक्शन हुए हैं जितने लोगों ने धांधली की है जहां जहां इलेक्शन चुराया है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है उसका मुझे जवाब दे यही तो रोना है सारा चोई साह मैंने कम अज़ कम हिलाकी तौर पर मैं कम अज़ कम आप ये ज़रूर कह सकता हूँ कि साढ़े तीन साल गुज्तर साढ़े तीन साल मैंने एक जंग लड़ी है इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ मेरी कोई ये जो इंसाफ की जंग थी ये ख्वाजा आसिफ के साथ नहीं थी ये एक पूरा करप्ट निज़ाम था जिसमें ये अदारे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है नादरा देखें नादरा में अब मैं बताना नहीं चाहता कौन सा वो डी जी डाटा का डायरेक्टर था जो डी डाटा था जिसको प्रमोट करके अब नादरा का चेयरमैन बनाया गया ये सब लोगों को नवाजा जाता है फिर जब ये लोग अपनी सर्विस देते हैं अपनी मनपसंद पसंद रिपोर्ट अच्छा, लेने के लिए नादरा में देखिये एक अच्छा, लाख सोलह हजार में वाँक वाँको के वाँको के, नहीं हो सके साजिद साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ये इशरत आबाद साहब सारे रिकॉर्ड छोड़ के अब चले गए हैं चौदह साल के बाद और एक बड़े बुजुर्गवार हमारे नए गवर्नर आए हैं इस बारे में एम क्यू एम्स को कंसल्ट किया गया कि ये आ, नए गवर्नर जो आ रहे हैं इस बारे में पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं उनको अतमाद में नहीं लिया गया आपसे कोई बातचीत हुई और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं जिस वक्त गवर्नर सिंध डॉक्टर शबाद को जिस ज़माने के अंदर गवर्नर सिंध का बनाया गया था उस वक्त मुत्यादा कॉमेंट से पूछा गया था अच्छा लेकिन अब जब जस्टिस सैदुज़म साहब को लेके आए हैं तो इस वक्त आ, नून लीग ने ना पीपल्स पार्टी से ना मुतहदा क़ानून पाकिस्तान से मशावरत की अच्छा आइन और कानून तो कहता है कि वफ़ा किसी को भी अपना नुमाइंदा एज ए गवर्नर नामज़द कर सकता है आ, लेकिन इखलाक कुछ कदरे भी हैं कुछ अखलाकियात भी है कि पूछना ज़रूर चाहिए था पहले भी तो पूछा गया था अब भी पूछ लेते तो कोई हर्ज नहीं था अच्छा इस वक्त देखें अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की मजीद पॉलिटिक्स की तरफ जाऊँगा अच्छा मैं ही समझता हूँ कि जैसे सही अचानक ये फैसला हुआ है ना अच्छा इसका फैसला तो बाद में होगा कि गवर्नर से इनको हटाया क्यों गया है वजूहत क्या ये आप से, अच्छा, तो इस इस से हटाए जाने की मुखलिफ तजियात पेश कर रहे हैं अच्छा किसी के पास भी एविडेंस नहीं लेकिन यकीन नहीं कुछ अरसे बाद कुछ दिनों बाद ये चीज वाजे हो जाएगी की इनको हटाया क्यों गया लेकिन मुझे ऐसा फील होता है की शायद डुअल नेशनलिटी बेस्ड बनी है इन, इन, इन इनको हटाए जाने के हवाले से कु, 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 गुजतः कुछ अरसे पहले इस हवाले से कुछ इनकशाफ हुए थे रूल नेशनलिटी के हवाले से अच्छा अब अब अगर इनको हटा दिया गया है ठीक है चौदह साल इन्होंने रूल किया है कॉर्नर एज़ नंबर वन मुतनाज़ा जब कोई शख्स बहुत ज्यादा अरसा की सीट पर रहा है तो वैसे भी वो मतनाजा हो जाता है अच्छा गवर्नर साहब को मैं समझता हूँ उसी वक्त इनको हट जाना चाहिए था जिस वक्त इनको एम के देखता हूँ शायदगी से गुफ्तु करने वाले इंसान है मुझे ये फरमाएं जिनको ये लगाया है, ना वो उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं ना चल सकते हैं गवर्नर का हाउस का सारा स्टाफ तो उनको उठाने बिठाने लग लगा बीमार आदमी है क्या? और वो इतने ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि खुदा की पना ये एक एक उल्टे बंदे को हटा के दूसरे को लगा देते यार आप पता नहीं कराची हैदराबाद की कौन सी नुमाइंदगी कर रहे हैं मुझे नहीं समझ लग रही इससे बेहतर था फारूक स्टार को लगाते हमने राज भी कहा या मुस्तफा कमाल को या आपको लगा देते कोई मुफीद मतलब काम होता ये इस तरह के बदलों को घरों से गुलाम हुसैन साहब इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर वो कहाँ पे अर्बन की नुमाइंदगी करते हैं तो अगर जो अर्बन सिंध जो है उसमें एम क्यू एम और उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स मैटर करते हैं या जो शहर खैर, शहरी लोग हैं जब उनसे नहीं पूछा गया जो सिंध की जो दही पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करती है पी 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 उनसे नहीं पूछा गया

मुस्लिम लीग नून की पोजीशन वैसे भी मौजूदा गवर्नमेंट वफाकी इन इन जो गवर्नर सिंध थे इनके ऊपर एक लेवल ये लगा हुआ था की येब्लिशमेंट के आदमी हैं तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी एंटीब्लिशमेंट वर्क कर रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर तो आपके बात जी जी ही मैं मैं कह कह रहा रहा कि एंटी एंटी वर्क दे कर दे रहे हैं ना मेरे ख्याल में जो हमें फील हो रहा है और मौजूदा वीक पोजिशन के हवाले से जो इनकी पोजिशन इस वक्त चल रही है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से डॉन की न्यूज जिस तरह से बाहर आई फिर इनको परवेज रशीद साहब को हटाना पड़ा तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने से पहले पहले या कोई क्राइसिस बढ़ाने से पहले चारों सूबों के अंदर अपने मोहरे इन्होंने बिठा दिए हैं जो कि जिनको शायद गुमा इनको उम्मीद ये है कि जब हम पर कोई बुरा वक्त आएगा तो शायद मोरे एक्टिवेट होंगे वर्क करेंगे हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे मेरी अपनी जाती राय यह है जो मैंने थोड़ा बहुत गौर और फिक्र किया है जो मैंने थोड़ा बहुत सोचा मुझे कुछ मुझे कुछ ये सूरत हाल लगी कि शायद अब मुस्लिम लीग नून अपने मोरे चारों तरफ बिठा रही है अच्छा इसलिए इस, इसी इस, वजह से इन्होंने की जरूरत महसूस नहीं की कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कह भी सकते हैं कि चल चला हुआ और शायद हो सकता है कि कोई गैबी इमदाद आ जाए कोई गैबी मदद आ जाए तो सकता है चल चला उनका रुक भी जाए क्योंकि हाल सु... पर रहम करे अभी आपने ट्रंप का हाल नहीं देखा वहां नहीं देखे क्या किया है? जी जी बिल्कुल देखें 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं देखें इस मुल्क में हुआ क्या है इस मुल्क में हम जमहूरियत का नाम दिन में एक हज़ार मरतबा लेते हैं पोलिटिकल पा, पा, जमातों के लोग रहनुमा के पाकिस्तान में जमहूरीत को मजबूत करना है मिसाल के तौर पर हमें याद होगा कि जब अदलिया आजादी की तहरीक चली थी हम हमें समझ लेते कि एक इंस्टीट्यूशन मजबूत होने वाला है लेकिन उस वक्त इफ्तार चौधरी साहब मजबूत होकर सामने आए फिर इस तरह जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर जब जब आई हम ये कि शायद इंस्टीट्यूशन एज ए जमूरीत मजबूत होगी लेकिन हमने देखा कि लोग मजबूत हुए नवाज शरीफ साहब मजबूत हुए एक वक्त वाया एक वक्त वाए कि जरदारी साहब मजबूत हुए एक वक्त वाएगा

अच्छा लेकिन हमने ये देखा कि अच्छा, बात अभी करते उस्मान डार साहब पनामा पेपर्स हों या बाकी हों वज़ी अजम मियाँ नवाज शरीफ की हकूमत का ये मौकफ़ है और उनके जो वजीर मशीर है और उनके जो एजेंट्स हैं और गुमाचते हैं वो कहते हैं जी इससे यानी पाक साफ ज्यातदार ईमानदार और मुल्क की खादम और तरक्की के रास्ते पर कौम को लेके जाने वाली रूए जमीन पर हकूमत कभी नहीं आई आप नवाज शरीफ को तरक्की के रास्ते से हटा के मुल्क को तबाह करना चाहते हैं और गैर मुल्की ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं इस अल्जाम का आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक डार साहब क्यों ऐसे ईमानदार हुकूमत के पीछे पड़े हुए हैं आप देखें मैं चोई साहब चोई साहब आप मुझे कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ये तरक्की और पाकिस्तान में मुआशी जो धमाके की बात कर रहे हैं और कहते हैं जी हम बड़ा पाकिस्तान को आगे तो लेके गए तो मकसद ये है कि देखें आपको याद होगा मियाँ नवाशी साहब ने कहा था जी जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मुआशी धमाका करूँगा मैं उसकी अच्छा। बात कह रहा हूँ ये डॉक्टर साहब दरअसल आपको पार्टी तो बरादरी देने ये, थी की ये गुलाम हुसैन साहब का तरीका है वारदात है ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप उनको और बुरा कहें को <laughs> ऐसा देखिए मैं ये कहता हूँ जिस तरक्की का ये रागल आप रहे हैं आज पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन का शिकार है आपकी फॉरेन रिमिटेंस जो है वो डिक्लाइन का शिकार है आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो डिक्लाइन का शिकार है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर गई है और पाकिस्तान में ये जो तमीर तरक्की कर रहे हैं ये कर्जे ले ले के सारा कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान का जो छः ट्रिलियन का कर्जा था इन्होंने आठ साल में बाईस ट्रिलियन पे पहुँचा दिया है सो so, किस मुआशी तरक्की का ये रागल आप रहे हैं जोई साहब मकसद ये है ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स आज जो ये वो ये करप्शन में फंसे हुए हैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स में और जो पैनामा की अगर हम बात कर रहे हैं और ये जो एक दो इन्होंने रिसेंट मंसूबे किए हैं मकसद ये है कि आज एक आम आदमी से आप पूछें ना आप आ, अपने चैनल में किसी आम पाकिस्तानी को बुलाएं और उससे पूछें कि आज उसका हाल क्या कर दिया इन लोगों ने ये जो चौदह हजार रुपया इन्होंने एक मिनिमम वेज रखी हुई है पाकिस्तान में सागरा साहब को कहते हैं तो इसका बजट तो बना के दें कैसे कोई एक शख्स आज घर चला सकता है बिजली के बिल देखेगा मुंह चढ़ के बोल रही है साहब दरअसल बात है कि गुलाम हुसैन साहब जो है ना वो सरकारी हैंड आउट वार्ड पढ़ते हैं आजकल आज जो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो आइंदा साल फाइव पॉइंट फाइव फोर परसेंट होगी आइंदा साल इस साल भी जो पिछले आठ सालों में सजा हुई है फोर पॉइंट सेवन परसेंट आप उसको खाएं बाकी तो जो जो, जो ज़मीनी हकायक हैं वो आपने बिल्कुल ठीक बताया हैं हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रहा है आ, हमारी रेमिटेस जो है वो अगरचि नीचे गई हुई हैं हमारी जो क्या क्रेडिट रेटिंग है वो बेहतर हो गई है तो डार साहब तो वो आधा गिलास जो है वो भरा हुआ देखते हैं जो खाली है उस तरफ तो, तो आते नहीं हैं आपका काम है सियासी तो, तो बताइए कि जो आपने गरीब आदमी का जिक्र किया है या बेरोज़गारी है या जो और मसाइल हैं अब आज देखें गवर्नेस का हाल ये है पंजाब में कि पंजाब दारकूमत है लाहौर का तीन दिनों से डॉक्टरों ने यहाँ जिंदगी हुई है शहरीों की लोग मर रहे हैं हस्पतालों में सजे के उनको देखने वाले नहीं है और डॉक्टरों की गुंदागर्दी जो है उसको रोकने वाला कोई नहीं है देखिए जब निजामी साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब यहाँ क्या कहते हैं अदारों को कब कब्जे में लिया जाएगा उनको मेरिट पे नहीं चलाया जाएगा उनसे मनपसंद फैसले लिए जाएंगे मनपसंद लोगों को अदारों में लगाया जाएगा आप अभी तमीर तरक्की में जो बात कर रहे थे क्रेडिट रेटिंग ऊपर गई है और आ, कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे थे मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ रोज़ कबल आ, क्रिस्टिन लगाड़ जो आई एम एफ़ की हेड हैं वो आई हुई थी उन्होंने भी एक और मामले में कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर गया करप्शन में दुनिया के एक सौ अड़सठ जो है एक सौ जो है क्या कहते हैं कह कह है, पाकिस्तान उन में आ गया करप्शन सर चढ़ के बोल रही है या ह्यूमन डेवलपमेंट डार साहब ये आप बरादरी बेस पर कामना करें इतना बड़ा उनको अवार्ड मिला है आप उनको मुबारकबाद दें अगर गरीब की दो बगे रोटी पूरी नहीं होती तो आज नहीं तो कल परसों मार खप जाएंगे अच्छा है साजिद साहब से पूछ लेते हैं इनका क्या आ रहा है हाँ, कराची में जो अवाम से रहे हैं उसके बारे में बताइए कि जी ये अब ये जो एम क्यू एम पाकिस्तान है ये कौन सी एम क्यू एम हकी हकी से बना दे जो वाकई अवाम, अवाम को रिप्रेजेंट करती हो यही है यार और कौन है देखें आ, देखें एम क्यू एम पाकिस्तानी है तमाम पार्लिमेंटेरियन एम के एम पाकिस्तान के साथ हैं वर्कर लोग सभी और इस वक्त इस वक्त देखिए सबसे इसमें अहम बात क्या है तेईस के बाद मुतहद कौन पाकिस्तान ने ये नारा लगाया कि पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर रहते हुए हम सियासत करेंगे और हम सियासत कर रहे हैं और हम बड़ी ईमानदारी से ये प्रूफ भी कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं कि देखें अब हमें भी रिलीफ दिया जाए मिसाल के तौर पर जो हमारे दफातर इस वक्त तोड़ दिए गए हैं और अब हम लीगल दफ़ातर कोशिश कर रहे हैं कि किराए पर रेंट पर लें हम खोलें उस पर जाकर कर बैठें और लोगों के मसाइल हल करें वो भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छा इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मैं थोड़ा सा हट के इस पर मौजू से हटूँगा थोड़ा सा पूरे जनरल में बात करूँगा देखिए पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है जो सियासत है वो जब जब हमारे सियासतदान फंसते हैं तो लोगों को रिलीफ देते हैं मिसाल के तौर पर अभी पानामा लीग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब का केस गया उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग तीन घंटे की हम कर देंगे लेकिन हम कराची में देख रहे हैं कि अभी तक तीन घंटे की लोड शेडिंग नहीं हुई वहां पर बारह घंटे की लोड शेडिंग हो रही है ये तो हाँ, वही वही मतलब <laughs> लोगों को खुश करना ये मतलब ये तो लोगों को अच्छा है। है। यही वजह है की यही है कि लोगों का एतमाद हुक्मरानों पर जमहूरियत पर खत्म होता जा रहा है खत्म होता जा रहा है अच्छा मुझे एक नगमा याद आ रहा था कि वो अभी मैं आप जब आप लोग जब बात कर रहे थे कि वो एक नगमा था कि आओ रे बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की जिसके खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान, जान, जान की अगर आज वो बच्चे सैर करने यहाँ पर आए और देखें इस पाकिस्तान का हाल कि यहाँ पर लोड शेडिंग महंगाई बेरोजगारी बद अमली लूट मार चोरी डाक, चोर, चोर, चोरी चमारी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत के नाम पर यहाँ पर लूटमार होती रही अब मिसाल के तौर तो पर भी एक दिन पहले हम अमेरिका इलेक्शन देख लें अगर आपको जमहूरी है तो देखें आप हम मिसालें देते हैं अपने की हम मिसालें देते हैं आ, वर्ल्ड की हम मिसाल देते हैं मकरी ममालिकमेरिका तो के अंदर इलेक्शन हुए इलेक्शन मुहिम के दौरान तो आपने देखा डोनाड ट्रंप और हेली ने एक दूसरे पर संगीन इल्जाम लगाए लेकिन नतज आने के बाद आपने उनका सिविलाइजेशन देखा कितने सिविलाइज लोग हैं कि एक दूसरे के लिए कितने पॉजिटिव बयान दिए और नतयज को

वही एक सौ पैंतीस जैकेट वही उतना असला निकल रहे हैं बाहर कोई यार या क्या हो रहा है कोई मैदान जंग है ये बैरूद का ढेर है ये बारूद नहीं, का बल्कि एथनिक के साथ अब सेक्टेरियन के लिए हो गया रहा है वहाँ देखें कराची में जो ऑपरेशन हुआ वो मुतहदा कौमी मूवमेंट की ख्वाहिश पर हुआ अच्छा बिल्कुल ये ऑपरेशन तो होना चाहिए हो। था हमने अपने कुछ हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ अच्छा हमारे कुछ तहफात भी बीच में आए उसमें सामने अच्छा लेकिन हमने वाजे तौर पर कहा था जो जो आज प्रूव आपने खुद कहा कि कराची में क्या हो रहा है इस वक्त हमने वाजे तौर पर कहा था कि कराची में तालिबान है कराची के अंदर लश्कर जंगवी है कराची के अंदर कलदन तनजीमें मौजूद हैं मिसाल के तौर पर अभी कुछ दिन पहले नेशनल एक्शन प्लान आपने देखा उस पर इंप्लीमेंट हुआ अच्छा नेशनल एक्शन प्लान के नेशनल एक्शन प्लान के बीस पॉइंट थे उस पर से दो तीन पॉइंट पर अमल हो सका इंप्लीमेंट हो सका वो भी वो पॉइंट वो थे जो कि इदारों के हिस्से में आए इदारों ने जो कुछ किया उन पॉइंट पर अमल किया बाकी जो हुकूमत के सत्रह अठारह पॉइंट या सोलह पॉइंट जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी उन पॉइंट को रिजॉल्व करना हुकूमत ने अपनी जानब से अपने हैंड से कुछ भी नहीं किया मदरसा

आपके खास जुल्म के पहाड़ पहाड़ डाए जाए तो असले के अंबार और ढेर आपके लोगों से क्यों मिल रहे हैं इसका हमें जवाब नहीं मिल रहा इसका जवाब आप दे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक साजिद अहमद साहब और उस्मान डार साहब ये निज़ामी साहब ये जो कमेटी बनी है डॉन है डॉन की जो मुतनाज़ ख़बर के इशू पर उसके हवाले से कोई बात कर रहे हैं आप लोगों ने भी कोई सवाल करना हो या बात करनी हो तो आप शामिल हो जाए मुख्त जैसे मैंने कल कहा था गुलाम हुसैन साहब ये कमेटी जो है आ, ये तो मुझे लग रहा है कि ये मामले को, को तहकीकत करने की बजाय इसको लपेटने के लिए सर्द खाने में फैली सरद खाना में फिर बार नाम लिया गया प्रेस काउंसिल का प्रेस काउंसिल याद आई का है प्रेस काउंसिल साहब ने कहा कि जी ये अखबार या इसके स्टाफ के, के खिलाफ कार्रवाई ना करे और किसी से सोर्स के बारे में भी, भी ना करे तो इसका मतलब है कि तो प्रेस काउंसिल प्रेक आप यकीन करेंगे प्रेस काउंसिल इस गुना में मैं भी शामिल था जो बनवाई थी सी पी एन ई और ए पी एन एस के प्रेजिडेंट के तौर पर ये इतने साल से गमेंट है इसने का काम नहीं किया अब यकदम ये इसको झाड़ पहुँच के ले आए प्रेस काउंसिल को मैंने कहा ये माड़ी टाउन के, के चौदह कत्ल जो है ना जो मर्जी करें इनका जान नहीं छोड़ेंगे ये जो मर्जी करते पड़े ये सरे लाल मीडा वाली जो स्टोरी है ये ये जो मर्जी कर लें इनकी जान नहीं छोड़ेंगे मामला ठप्पा गया है चलो मेरा, है। मेरा, मेरा तो जी साजिद साहब आ, देखें ये जो स्टोरी लीक हुई है जो कि डॉन बायदा डॉन ने पूरी एक स्टोरी पब्लिश की थी आ, इस हवाले से हुकूमत मैं 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 जो मेरा अपना जतीी तजुर्बा है हुकूमत समझ रही है कि परवेज रशीद साहब को हटाकर हमने जान छुड़ा ली है जी बिल्कुल इस तरह मुझे याद है कि एक ज़माने में मुशाहदुल्ला साहब को भी हटाया था उन्होंने भी कोई कमेंट्स कर दिया तो ये ये आ, हाँ बिल्कुल अल्लाह को बैठा था अच्छा अच्छा आप अच्छा, मौजूदा गवर्नमेंट हुकूमत नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं शायद कि हम इस तरह से इदारों को और और लोगों को शायद मतमिन कर देंगे कि हम पर एक इल्ज़ाम लगा हमने फ़ौरी तौर पर एक वज़ीर को आ, हमने हटा दिया अच्छा अब देखिए इस 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 कहानी के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं अब 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 अगर आप देखें कि मुस्लिम नून का जो मीडिया सेल है उसको देखता कौन है मरियम नवाज़ साहब उसको हैड करती हैं अच्छा अब परशी साहब पर, पर इल्ज़ाम ये है कि उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इस खबर को नशर होने से रोका क्यों नहीं अच्छा अब अब सवाल ये पैदा होता है परवेज रशीद साहब एक पुराने पुराने पॉलिटिकल आदमी हैं मुस्लिम लीग नून के लिए उन्होंने काफी कुर्बानी भी दी है जो अपने, अपने ज़बानी कलामी दो चार मरतबा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी उसका इजहार किया है इतना गहरा आदमी और उससे यही मिस्टेक हो जाए इस समझ से बाहर है क्या चौधरी निसार साहब को मुख्तलिफ मुख्तलिजेंसियाँ रिपोर्ट नहीं देती हैं कि देखें फला टाइम पर फला वक्त में फला जगह पर कोई एक्टिविटी होने वाली है तो क्या इस खबर के हवाले से चौधरी निसार साहब ने किया आपको एक आधा जुमला भी सीधी बात ये है कि ये हुकूमत की ईमा पर ये खबर आ रहा है नवार साहब फाइनल वर्ड आपका इस पे बताइए क्या कहते हैं आप देखें निजामी साहब मैं ये कहूँगा ये जो सीरियल लीक्स थी ना बुनियादी तौर पे ये अब तो मंजरे आम पे आ चुका है ये एक प्लांटेड स्टोरी थी ये लीक सीक्स नहीं था ये प्लांट किया गया था और हुकूमत खुद इसको मान भी रही है अब इन्होंने एक दरबारी भी की कुर्बानी दी है और ये समझते हैं कि दरबारी को जो है ये स्केप गोट बनाकर शाही खानदान के किसी फ़र्द को बचा लेंगे ऐसा नहीं होगा मैं चौधरी साहब की बात से तफाक करता हूँ ये सिर लीक्स अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेगी ये शाही खानदान जो है ना पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है मैं हालिया इलेक्शन की बात करूंगा अमेरिका में आपने देखा कि हेलरी क्लिंटन की जो ईमेल लीक हुई थी वो कितनी बैडली डैमेज हुई उसकी कंपेन एक सिक्योरिटी के ऊपर जाके उस मामले को लेके तो ये कोई वो नहीं सर्वर है पे। लोगों के लिए कि एक कमीशन बना के ये अपनी जान छुड़ा यकीन, लेंगे। यकीन जो जवाबदेही का अमल है डार साहब वो बड़ा ही हमारे यहाँ कमज़ोर है डार साहब और साजिद साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वजह से आज डिबेट ने बहुत आगे बढ़ी अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है गुलाम अच्छी बात गपशप हो गई आज और तमाम मामला पे शर हासिल गुफ्त हुई है एम क्यू एम के जो मामला आते हैं वो भी और जो नए इल्ज़ाम लग रहे हैं उस मामले में आपने खूब एम क्यू एम वालों की भी अच्छी धुनाई की है उस्मान डार साहब जो हैं और उनका मुकाम शिक्र है उन्होंने कहा कि उनके तहफात ज़रूर हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में लेकिन फिर भी वो इस फैसले को मैन वन तस्लीम करते हैं और जब तफसीली फैसला आएगा तो वो मजीद रायज नहीं करेंगे और जहाँ तक ये कमेटी का तल्लक है तो है तो ये ढंग टपाऊ मामला लेकिन मेरा आपसे इख्तलाफ है सिर्फ ये कि ढंग टपाऊ मामला जो है ना ये एक मुतफ़ा तौर पर ही ऐसा हो गया आ, नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी